अमेरिका में एक बार फिर फायरिंग की खबर सामने आई है। अमेरिका के टेक्सास के एलन के डलास उपनगर में एक आउटलेट मॉल में एक बंदूकधारी ने फायरिंग की, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ये घटना 6 मई की दोपहर 3:40 की है। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के नाबालिग को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। ठाणे की नाबालिग छात्र ने सोशल मीडिया पर टीपू सुल्तान की तारीफ कर उसे किंग ऑफ इंडिया बताया। वहीं छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ अपमानजनक बात की, जिसके चलते भिवंडी पुलिस ने नाबालिग को हिरासत में ले लिया है। कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव में वीराशैव लिंगायत फोरम कांग्रेस को अपना समर्थन देने का ऑफिशियली ऐलान कर चुका है। इसके साथ ही उन्होंने समर्थन को लेकर अपना पत्र भी जारी कर दिया है, जिसके बाद फोरम ने लिंगायत समुदाय के लोगों से कांग्रेस को वोट देने का अनुरोध किया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आज प्रचार मंत्री बन गए हैं। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर भारत जल रहा है, बॉर्डर पर हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री कुछ भी नहीं बोल रहे। उन्होंने आगे कहा कि पीएम कर्नाटक के लोगों के हित में क्या काम करेंगे, इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, बस अपना प्रचार कर रहे हैं और वोट मांग रहे हैं। कर्नाटक में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर हमला बोला। शाह ने कहा कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है, कांग्रेस ने तो बजरंग बली का अपमान किया है, कांग्रेस ने मुस्लिम आरक्षण को बढ़ावा देने का काम किया, लेकिन बीजेपी मुस्लिम आरक्षण को लागू नहीं होने देगी। बिहार के पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। दरअसल आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ दर्ज याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कल यानी 8 मई को सुनवाई करेगा। आपको बता दें कि गोपालगंज के जिला अधिकारी रहे जी कृष्णैया की हत्या के दोषी हैं आनंद मोहन। आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ कृष्णैया की पत्नी उमा देवी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के शिवमोगा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि कर्नाटक में फिर से बीजेपी की सरकार बननी जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनेगी, कर्नाटक की जनता का हमें लगातार आशीर्वाद मिल रहा है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने गुरुग्राम में कहा कि द केरल स्टोरी सिर्फ एक फिल्म नहीं है, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने धर्म में बच्चियों को बहला फुसलाकर आतंकवाद के रास्ते ले जाना चाहते हैं। उनका चेहरा केरल स्टोरी में बेनकाब हुआ। उन्होंने आगे कहा कि कुछ राजनीतिक दल इसका विरोध कर रहे हैं, अगर वे विरोध कर रहे हैं तो वे PFI आतंकवाद ISIS का समर्थन करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बदायूं में अपनी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि 54 लाख गरीबों को आवास की उपलब्धता नए उत्तर प्रदेश की पहचान है। उन्होंने आगे कहा कि आज उत्तर प्रदेश की पहचान मजबूत कानून व्यवस्था से होती है। ये परिवारवादी तत्व युवाओं को पिस्टल थमाते थे, लेकिन आज राज्य सरकार ने 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट सौंपा है। बिहार सरकार ने प्रदेश में जाति आधारित सर्वेक्षण यानी कास्ट बेस्ड सर्वे को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं पर जल्दी ही सुनवाई के लिए पटना हाई कोर्ट का रुख किया। आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने 4 मई को राज्य में जाति आधारित जनगणना कराने के राज्य सरकार के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाले को लेकर कहा कि अब कोर्ट ने भी कहा है कि रिश्वत या मनी लॉन्ड्रिंग का कोई ठोस सबूत नहीं है। केजरीवाल ने आगे कहा कि हम शुरू से कह रहे हैं कि पूरा शराब घोटाला फर्जी है और इसका मकसद केवल आप सरकार को बदनाम करना है। दिल्ली पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कहा है कि खापों ने तय किया है कि ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी तक आंदोलन इसी तरह चलता रहेगा। हालांकि जंतर मंतर पर बहुत भीड़ इकट्ठी नहीं की जाएगी, लेकिन खाप के लोग खिलाड़ियों के समर्थन में जंतर मंतर आते जाते रहेंगे। उन्होंने आगे कहा कि जब जब खिलाड़ियों का आह्वान होगा, खाप और किसान संगठन तुरंत उनके समर्थन में पहुँच जाएंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सूचित किया कि चार धाम यात्रा फिर से शुरू हो गई है और लगभग 1 महीने से केदारनाथ धाम में काफी बर्फबारी हुई थी, जिससे यात्रा बीच बीच में काफी रुकी। इस दौरान मार्ग में बड़े ग्लेशियर्स भी आए, लेकिन अभी यात्रा चल रही है और पूरे देश भर और विदेशों से यहाँ यात्री आ रहे हैं, तो पिछले साल का रिकॉर्ड इस बार टूटेगा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के विराट कोहली के साथ हुए विवाद के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स के तेज गेंदबाज नवीन उल हक का इंस्टाग्राम पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है। नवीन ने टीम के मेंटोर गौतम गंभीर के साथ सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है। नवीन ने कैप्शन में लिखा, लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप चाहते हैं कि वह भी आपके साथ उसी तरह व्यवहार करें। लोगों से उसी तरह से बात करें जैसे आप चाहते हैं कि वह आपके साथ करें।
तमिलनाडु के सभी मल्टीप्लेक्स ने आज यानी 7 मई से बॉलीवुड फिल्म द केरला स्टोरी को नहीं दिखाने का फैसला किया। आपको बता दें कि इस फिल्म का देश के कई राज्यों में विरोध हो रहा है, जबकि मध्य प्रदेश में ये फिल्म टैक्स फ्री कर दी गई है।